हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। कल हमने एमएस वर्ड की कुछ शॉर्टकट कीज की और कुछ आज करेंगे। यदि आपने कल वाली शॉर्टकट कीज नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पहले आप वहां जाकर कल वाली शॉर्टकट कीज देखें और वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो के आखिर में हम आपको लिस्ट देंगे जिसमें कि सभी शॉर्टकट कीज के बारे में डिफाइन कर रखा होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं स्क्रीन पर। डियर गाइस, कल मैंने आपको कुछ शॉर्टकट कीज बताई, जैसे कि बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी और इटैली के लिए कंट्रोल आई, इसी तरह से अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू और कॉपी पेस्ट। तो ये सब आप अगर देखना चाहें तो पीछे एक वीडियो बना चुका हूँ मैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। हम आज मैं आपको कुछ नई कीज बताने जा रहा हूँ, जैसे कि अगर आप एक नई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड पे कंट्रोल एन प्रेस करना होगा। मैं प्रेस कर रहा हूँ, यू कैन सी एक नई फाइल ओपन हो गई है, कंट्रोल एन। और अगर आप इस फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट की है, उसके लिए आप कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू। तो मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल डब्ल्यू, तो देखिए जैसे पहले नई फाइल ओपन हुई थी उसको क्लोज करने पर पहले वाली फाइल ओपन हो चुकी है। और इसी तरह से अगर आप किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल एस फॉर सेव। तो मैं कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूँ, आपके पास डायलॉग बॉक्स आ गया, सेव एज डायलॉग बॉक्स। इसमें आप अपनी फाइल का नाम दे सकते हैं, तो मैं इसको विकास नाम से सेव कर रहा हूँ। सेव हो चुकी है ये फाइल। अब अगर हम इस फाइल को या पूरे एमएस वर्ड को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है Alt F4। अगर आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हुए हैं तो Alt F4 से सभी डॉक्यूमेंट वन बाय वन क्लोज होते जाएंगे। और अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है तो आपके पास मैसेज आएगा कि आपने इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को सेव ज़रूर कर लें। तो वही मैसेज आ रहा है हमारे पास कि हमने इससे पहले जो डॉक्यूमेंट बनाया था उसे सेव नहीं किया। तो Alt F4 से आप फाइल को सेव भी सॉरी Alt F4 से आप फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया न्यू डॉक्यूमेंट कंट्रोल एन, सेव कंट्रोल एस और इसी तरह से कंट्रोल डब्ल्यू फॉर क्लोज द डॉक्यूमेंट। अभी आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ फाइल को ओपन करने की। जैसा कि मैंने अभी एक फाइल बनाई थी जिसका नाम था विकास, मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं लिस्ट आ गई हमारे पास। इस लिस्ट में हमें वो फाइल ओपन करनी है जो हमने विकास नाम से बनाई थी, तो मैंने यहाँ पर विकास क्लिक कर दिया है। तो देखिए आप, विकास नाम की फ़ाइल के अंदर यही लिखा गया था तो वो ओपन हो गई है। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ फॉर फाइंड। अगर आप अपनी फाइल में से किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं, आपकी फ़ाइल काफ़ी लेंथी है तो आप वर्ड को फाइंड कर सकते हैं कंट्रोल एफ के द्वारा। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एफ प्रेस कर रहा हूँ, फाइंड डायलॉग बॉक्स आ गया हमारे पास। इसके बाद इस फाइंड डायलॉग बॉक्स में जूम करके दिखाता हूँ आपको, फाइंड डायलॉग बॉक्स इसके अंदर हम सर्चिंग वर्ड लिखते हैं, जैसे कि मैंने विकास लिख दिया है।
तो जैसे ही मैं यहाँ पर विकास लिखता हूँ, आप देखिए कि फाइंडिंग के अंदर विकास वर्ड हाईलाइट हो गया है। इसी तरह अगर आप कोई भी वर्ड सर्च करना चाहते हैं तो उसे जस्ट आपको यहाँ टाइप करना है माई, आई एम सर्चिंग माई, यू कैन सी माई सिलेक्टेड, तो कंट्रोल एफ फॉर सर फाइंड। किसी वर्ड को फाइल में फाइंड करना हो, अभी तो हमारी फाइल में सिर्फ एक लाइन लिखी है, अगर आपकी फाइल काफ़ी लेंथी है और उसमें आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, कंट्रोल एफ। गाइज, मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया है। हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है एंड, आपको कीबोर्ड के ऊपर एंड की मिलेगी, एंड ई एन डी, कीबोर्ड पे आपको एंड की मिलेगी। अगर आप कीबोर्ड पे एंड की को प्रेस करते हैं तो आप जिस लाइन में वर्क कर रहे हैं आप उस लाइन के एंड में पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो इंसर्शन पॉइंट है लाइन के बिगनिंग में है और मैं एंड की प्रेस कर रहा हूं, तो आपका जो इंसर्शन पॉइंट है, कर्सर है, वो लाइन के आखिर में पहुंच गया है। इसी तरह से आपके कीबोर्ड के अंदर एक की है होम नाम से, होम की, अगर आप होम की प्रेस कर देते हैं तो आपका इंसर्शन पॉइंट लाइन के बिगनिंग में पहुंच जाएगा। तो मैं होम की प्रेस कर रहा हूं, यू आर डायरेक्टली अराइविंग एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। तो होम और एंड की के द्वारा आप लाइन के आखिर में या लाइन के शुरू में पहुंच सकते हैं। इसी तरह से आप होम और एंड की का प्रयोग कंट्रोल के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम कंट्रोल और होम की प्रेस करते हैं तो आपका जो इंसर्शन पॉइंट है वो डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में पहुंच जाएगा। मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूं, कंट्रोल एंड होम, यू कैन सी, आप देख सकते हैं हम फाइल के बिल्कुल बिगनिंग में आ चुके हैं, कंट्रोल एंड होम। इसी तरह से अगर हम फाइल के बिल्कुल आखिर में जाना चाहते हैं देन कंट्रोल एंड एंड, कंट्रोल के साथ एंड की दबाएं, तो आप फाइल के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं। तो अब मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं शॉर्टकट कीज की। तो गाइस, ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ और भी हैं आपको दिखाता हूं। इनका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इन सभी की प्रैक्टिस ज़रूर करें और इसके बाद आपको कुछ और भी शॉर्टकट कीज करवाई जाएंगी। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।